फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 9 के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में वीडियोस का लिंक है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। जो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन रिलेटिव अबंडेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन इन द अर्थ क्रस्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अबंडेंस एलिमेंट कौन सा है। तो कौन सा है वो? ऑप्शन देखो, फर्स्ट में दिया हुआ कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, सी थर्ड में दिया हुआ बोथ एंड बी, एंड लास्ट में दिया हुआ है नाइट्रोजन। तो हम सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है वो बहुत ही अबंडेंस फॉर्म में पाया जाता है। तो उसका आंसर हमारा राज्य का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्मिंग अमाइनो एसिड इज, बताना है कि कितने हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड्स कितने हमारे? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। तो उसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, ए फैटी एसिड विदाउट एनी डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, कौन सा वो? सैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, लेसिथिन ए फॉस्फोलिपिड इज फाउंड इन, तो बताने लेसिथिन है जो किसके अंदर पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसका आंसर आज हमारा आ जाएगा सिक्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स, एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड और ग्वानिलिक एसिड आर, तो ये सारे क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसका आंसर आज हमारा आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवन्थ, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियली ड्यू टू इट्स, तो है ना कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड्स की वो किससे होती हैं? अमाइनो ग्रुप्स की वजह से होती हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होती है, या फिर आर फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। इन तीनों की वजह से ही जो अमाइनो एसिड्स हैं उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो यहाँ पर बताना है हमें कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। फर्स्ट में दिया हुआ टायरोसिन, सेकंड में दिया हुआ फिनाइल एनिलीन, सी में दिया हुआ हमें ट्रिप्टोफन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों की जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सारे और एरोमेटिक ही अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसका आंसर हमारा आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में आता भी है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड बताने इसमें से कौन सा है? फर्स्ट में देखो लाइसिन है, सेकंड में वेलेनिन है, थर्ड में ग्लूटामिक एसिड है और डी में टायरोसिन है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है एसिडिक एसिड पूछा है, तो ग्लूटामिक एसिड है जी, एक एसिड है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सी, ग्लूटामिक एसिड। टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमाइनो एसिड्स, तो हमें बताना है कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है? लाइसिन है, वलाइन है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ से साफ ही पता चल रहा है कि जो डी है वो ग्लूटामिक एसिड, वो तो एक एसिड हो गया। तो इसने पूछा है बेसिक अमाइनो एसिड्स, तो बेसिक कौन से हैं? लाइसिन एंड वलाइन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेवंथ, ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ एनएस2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो अमाइनो एसिड्स है उसकी एक आयनाइजेबल प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है? वो एनएस2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं जो उनकी प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेबल, ठीक है। तो हमें किस फॉर्म में देखने को मिलती हैं? ज्विटर आयनिक फॉर्म में देखने को मिलती है। तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज हैविंग ए हाइड्रोजन एट द पोजीशन ऑफ इट्स ग्रुप, कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? फर्स्ट में देखो टायरोसिन है, सेकंड में ग्लाइसिन है, सी में लाइसिन है और डी में वेलाइन है। तो हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होता है? ग्लाइसिन में प्रेजेंट होता है। उसका आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, द कॉमन नेम ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ए सिंपल लिपिड इज, तो बताना है कि जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है उसका सिम यानी कि जो कॉमन नेम है वो क्या है? क्या उसका कॉमन नेम? ग्लाइसरॉल। तो उसका आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, लिपिड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, लिपिड हैविंग फॉस्फोरस एंड ए फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम आर कॉल्ड, तो बताना है कि जो लिपिड्स हैं उनके अंदर फॉस्फोर
फॉस्फोरस है होता है, और एक जो फॉस्फोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, जब लिपिड्स के अंदर फॉस्फोरस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15th, विच ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो मैं बताना है कि फॉस्फोलिपिड है एक फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वो कौन सा है हमारा, लेसिथिन है। तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमें बताना है कि कौन सा एक पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, पैलमेटिक एसिड है या फिर स्टीरिक एसिड है या फिर एचिडोनिक एसिड है या फिर कोलेस्ट्रॉल। तो कौन सा इसका आंसर आएगा हमारा, सी, एचिडोनिक एसिड, ये क्या हमारा पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइएबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस बताना है कि कौन सा मेटाबोलाइट्स हैं जो एक फंक्शनल रोल प्ले करता है किस प्रोसेस के अंदर, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। कौन सा है वो, प्राइमरी मेटाबोलाइट है या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है या फिर बोथ ए एंड बी या फिर टर्शियरी मेटाबोलाइट्स। तो कौन सा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों ही क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। उसका आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th, वाटर कंस्टिट्यूएंट द परसेंट ऑफ टोटल सेलुलर मास। बताना है कि जो वाटर है वो टोटल सेलुलर मास का कितना परसेंट कैरी करता है। तो 70 से 90% जो वाटर है वो मास कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th, प्रोटीन कंस्टिट्यूट द परसेंट ऑफ टोटल सेलुलर मास। बताना है कि जो टोटल सेलुलर मास में उसका प्रोटीन कितना कंस्टिट्यूट करता है। प्रोटीन सिर्फ 10 से 15% ही कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इम्बंडेंट केमिकल कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सेलुलोज है, वाटर है या फिर ग्लूकोज है। कौन सा है वो, वाटर है। तो वाटर है जो सबसे अबंडेंट केमिकल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, प्रोटीन इज़ ए पॉलीमर ऑफ। तो ये सबको पता है कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, ए प्रोटीन इज ए, प्रोटीन क्या है, एक होमोपॉलीमर है या फिर हेड्रोपॉलीमर है। हमें पता चलेगा पॉलीमर है बट कौन सा है, हेड्रो है या होमो है, तो हेड्रोपॉलीमर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बताना है कि अमाइनो एसिड्स हैं कहाँ से मिलते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले देखो ऑप्शन में दिया हुआ है डाइटरी प्रोटीन्स, या फिर ऑप्शन बी है प्रोटीन फॉर्मुलेशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर केमिकल अवेलेबल इन द मार्केट। तो अमाइनो एसिड्स का अच्छा सोर्स कौन है, डाइटरी प्रोटीन्स हैं। उसका आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, GLUT4 इज ए, ये क्या है, प्रोटीन डेट अनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। तो क्या करता है, एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में आता है, और जैसे कि जी मरिम्स वगैरह के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड पूछा है, तो एनिमल वर्ल्ड आएगा तो कोलेजन है, कौन सा है, कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। अगर पूरे होल बायोस्फीयर में पूछा जाए तो सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। कौन सा प्रोटीन है, रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो इंसुलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। किसका पॉलीमर है, इंसुलिन एक फ्रक्टोज का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इन सब में से बताना है कि हमें कि ग्लूकोज का होमोपॉलीमर कौन सा है। नंबर वन में दिया हुआ है सेलुलोज, या फिर प्रोटीन, या फिर काइटिन, या फिर पॉप्टियोग्लाइकन। तो कौन सा है होमोपॉलीमर, ग्लूको सेलुलोज। सेलुलोज किसका होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज का। तो उसका आंसर है हमारा आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इज फाउंड इन। तो ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, और ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स पे पाया जाता है। तो उसका आंसर हमारा आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,
एक्सोस्केलेटन ऑफ एर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नोन एज. तो जो एर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है ना, वो किससे बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे बना है वो? काइटिन से बना हुआ है. तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31. काइटिन इज, तो काइटिन क्या है? एक तो काइटिन हमारा एक हेट्रोपोलीमर है शुगर का. इसका आंसर आएगा हमारा ए, हेट्रोपोलीमर ऑफ शुगर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32. ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? नाइट्रोजन बेस से बनता है, पेंटोज शुगर से बनता है, और फॉस्फोर एसिड से बनता है. तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन्स, तो हमें बताना है कि प्यूरिन्स कौन से हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है एडेनिन, सेकंड है ग्वानिन, थर्ड है थायमिन, और फोर्थ है हमारा बोथ ए एंड बी. तो ऑप्शन नंबर है जो हमारा एडेनिन एंड जो ग्वानिन है, वो सारे वो दोनों क्या है हमारे? प्यूरिन्स हैं. उसका आंसर आएगा हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पिरामिडिन्स, तो पिरामिडिन्स कौन से हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है थायमिन, साइटोसिन्स, ग्वानिन, या फिर ऑल ऑफ दिस. तो और ये जो तीनों हैं ये क्या हैं हमारे? ये तीनों हमारे पिरामिडिन्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35. ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग टू डीऑक्सीराइबोज शुगर इज कॉल्ड, तो जिसके अंदर टू डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो क्या होता है? डीएनए होता है. तो इसका आंसर आएगा हमारा आएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36. राइबोज शुगर इज फाउंड इन, तो पता है कि राइबोज शुगर किसके अंदर पाई जाती है? राइबोज शुगर सिर्फ आरएनए के अंदर ही पाई जाती है. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, आरएनए. 7. दी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स द पोजिशन इन्फॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज़ द फर्स्ट अमाइनो एसिड विच इज़ सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड, तो बताना है कि जो सीक्वेंस है ना अमाइनो एसिड का, जैसे कि फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड एंड थर्ड अमाइनो एसिड्स, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो उसका आंसर आएगा हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38. इन ए प्रोटीन द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड, तो प्रोटीन के अंदर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है उसको क्या कहते हैं हम? एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड. क्या बोलते हैं उसको हम? एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39. इन ए प्रोटीन द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड, जो एक प्रोटीन है उसके अंदर लास्ट अमाइनो एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 3D व्यू ऑफ ए प्रोटीन, तो बताना है कि प्रोटीन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमें 3D व्यू देता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर है, या फिर क्वार्टरी स्ट्रक्चर है. तो जो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो हमें 3D व्यू देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41. प्रोटीन ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, बताना है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट है 1 अल्फ़ा एंड बीटा चेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन, थर्ड में दिया हुआ है 4 अल्फ़ा चेन, और डी में दिया हुआ है 4 बीटा चेन. तो क्या होती है हीमोग्लोबिन के अंदर? 2 तो अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 ही बीटा चेन होती हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42. इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय, बताना बताना हमें कि जो प्रोटीन है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं. तो उसका आंसर आएगा हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43. इन ए पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय, तो जो पॉलीसेकेराइड्स है उसके अंदर जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो किससे लिंक होते हैं? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं. तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44. इन ए न्यूक्लिक एसिड द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन, तो जो फॉस्फेट है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके बीच का जो बॉन्ड है वो किन से लिंक होता है? एस्टर बॉन्ड से लिंक होता है. इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45. इन न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट मॉइटी लिंक्स द 3' कार्बन ऑफ 1 sugar ऑफ न्यूक्लिक एसिड 2, तो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो फॉस्फेट जो ग्रुप है यानी कि तो 3 carbon एक शुगर 3 carbon को किसे जोड़ता है? 5' carbon ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड. तो उसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट दे आर, तो सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटर क्या है? क्या है वो? एक कैटलाइज रिएक्शन करते हैं. तो उसका आंसर आएगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47. द प्रोटीन्स विच विद कैटालिटिक पावर आर कॉल्ड, तो जो वो बताने हैं कि वो प्रोटीन्स
जिसके अंदर कैटालिटिक पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको, एंजाइम्स। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो सबको पता है कि सेल्स की एनर्जी करेंसी कौन है, एटीपी। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज। तो ग्लूकोज की जो ब्लड कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, 4.5 से लेकर 5.0 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं सिर्फ राइबोसोम्स को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, व्हेन बोन्स आर ब्रोकन एंड न्यू बोन्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिस विल बी कॉल्ड। तो जब बोन्स टूटकर न्यू बोन्स बनते हैं तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52, ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी। तो एक रूल है जिसके अंदर क्या, जो क्या कहता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डबल हो जाता है या तो वो डिक्रीज हो जाता है बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब हम 10 डिग्री चेंज करते हैं टेम्परेचर के अंदर तो जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है या तो वो डबल हो जाएगा या फिर वो हाफ से डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, इन ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज बाय द सेम एंजाइम कम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स इज कॉल्ड। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है उसके अंदर जब जो स्टेप्स हैं यानी कि जो हर एक स्टेप्स है वो या तो सेम एंजाइम से कैटलाइज हो रहा है या फिर डिफरेंट एंजाइम से कैटलाइज हो रहा है, तो इस तरह की जो पाथवे उसको क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54, लैक्टिक एसिड इन स्केलेटल मसल्स इज फॉर्म्ड अंडर। यानी कि जो लैक्टिक एसिड बनता है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर वो किसके अंदर बनता है, उसके अंदर कैसी कंडीशन चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है। तो उसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल्स द सब्सटेंस इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इट इज़ नोन। बताना है कि जो इनहिबिटर है जब वो इनहिबिटर अपने सब्सटेंस के क्लोजली रिसेंबल करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यानी कि अपने स्ट्रक्चर में सेम रिसेंबल करता है और वो दूसरे एंजाइम्स है उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कम्पिटेटिव इनहिबिशन बोलते हैं। यानी कि दूसरे की एंजाइम्स की एक्टिविटी को डाउन करना तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन कम्पिटेटिव इनहिबिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड। कहना है कि जब दो कंपाउंड्स हैं उनको ज्वाइन कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करती है। कौन सी एंजाइम करती है, लाइगेज। उसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, नाइट्रोजन स्पेसिस प्रेजेंट इन डीएनए आर। तो हमें पता है कि डीएनए के अंदर चार नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, वो कौन से होते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। तो ये चारों क्या हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं। तो उसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विद देयर रिलेटिव फंक्शन। तो ऑप्शन में देखो, फर्स्ट में हमें ए दिया हुआ है, एडेनिन है एक न्यूक्लिक ए न्यूक्लियोटाइड डैट मेक्स अप न्यूक्लिक एसिड, और बी है यूरेसिल एक कंपोनेंट ऑफ डीएनए, सी में दिया हुआ में जो ए है वो लेसिथिन है एक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और डी में दिया हुआ में जो बी ऑप्शन है लेसिथिन वो एक कंपाउंड कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का। ऑप्शन नंबर ए है वो एडेनिन है, तो एडेनिन का स्ट्रक्चर है ए जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। 9, फॉर्मेशन ऑफ बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व्स। कि जो पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। उसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विच इज़ नॉट फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए के अंदर क्या नहीं होता है, ऑप्शन में देखो, फर्स्ट में दिया हुआ थायमिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन। तो आरएनए के अंदर क्या नहीं होता है, थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61, इंडिविजुअल सब यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय।
इनकी जो पॉलीसैकेराइड की जो सब यूनिट्स है वो किससे लिंक होती हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होती है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें बताना है हमें कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी है। फर्स्ट है माल्टोज, सेकंड है सुक्रोज, सी है लैक्टोज और थर्ड में फोर्थ में दिया हुआ है राइबोज 5-फॉस्फेट। तो क्या है नॉन रिड्यूसिंग? सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्मड बाय। तो इनकी जो हर एक न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना हुआ है? बेस शुगर फॉस्फेट से बना हुआ है। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है हमारा 64, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट। तो हमें यहाँ पे रॉन्ग मैच देखना है। प्यूरिन्स कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डी बी में देखो एडेनिन थायमिन क्या है, ये प्यूरिन्स हैं? नो, गलत है। थायमिन है वो पिरामिडिन्स है, अब जबकि जो एडेनिन है वो क्या है? प्यूरिन है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, फाइंड आउट रॉन्गली मैच्ड पेयर। तो यहाँ पर हमें रॉन्गली मैच्ड पेयर बताना है। फर्स्ट में देखो प्राइमरी मेटाबोलेट क्या होता है? राइबोस होता है, सही है। सेकेंडरी मेटाबोलेट्स क्या होते हैं? एथोकाइन होता है, ये सही है। सी में दिया हुआ है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? इंसुलिन, ये बिल्कुल सही है। थर्ड में देखो काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ये ठीक है। और जो लास्ट में दिया हुआ है सेलुलोज, ये हाइड्रोपॉलीमर है, ये रॉन्ग है। सेलुलोज क्या है? एक होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66, द 3'-5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड ए न्यूक्लियोटाइड चेन सर्व्स टू जॉइन। तो ये क्या करता है? वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड को ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, 1 टन ऑफ हेलिक्स इन ए बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेट। देखिए जो बी फॉर्म है डीएनए की उसके अंदर एक टर्न है, उसकी क्या लेंथ है? 3.0 नैनोमीटर। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटीज कार्ड। तो बताना है कि एंजाइम है उसका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इसकी एक्टिविटी के लिए बहुत ही एसेंशियल है वो क्या है? को एंजाइम्स हैं। तो उसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का इनहिबिटर कौन सा है? ऑक्सैलो एसिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69, 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग, विच 1 इज रॉन्ग। तो इसमें देखो हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इसमें से हमें 3 स्टेटमेंट बतानी हैं जो सही हैं और एक रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी के लिए एक मैक्सिमम यानी कि उसके लिए इनकी जो अपनी एक्टिविटी है उसके लिए अच्छा ऑप्टिमम पीएच चाहिए। नेक्स्ट में दिया हुआ है, एंजाइम्स आर डिनेचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स दे आर इफेक्टिव इवन एट टेम्परेचर 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एंजाइम्स है वो डीनेचुरेटेड होते हैं हाई टेम्परेचर पर, वर्क नहीं करते। पर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स। नो, जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, कोई लिपिड्स नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट में दिया हुआ सब्सट्रेट बाइंड विद एंजाइम्स एंड एट इट्स एक्टिव साइट, ये बिल्कुल सही है। जो सब्सट्रेट है वो कहाँ बाइंड करते हैं एंजाइम से? एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है एडिशन ऑफ ए लोट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मेलोनेट। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। जब हम सक्सिनेट ऐड करते हैं तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस की जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है? वो रिवर्स कर देता है। पर यहाँ क्या दिया हुआ है? डज नॉट रिवर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, वो रिवर्स कर देता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है ए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम्स एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डैट विच बाइंड्स द सब्सट्रेट। डी में दिया हुआ मेलोनेट इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी वाली।
तो यहाँ पर हमारे क्लास 11th के 9 की एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।